नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त, वकील, सह पत्रकार एस के पंकज। कुछ लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप ने गलत डिसीजन लिया कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो दो बात मैं आप लोगों को बताने आया हूं। इसी दो बात से आप लोगों को पता चल जाएगा कि मनीष कश्यप ने कितना सही डिसीजन लिया है। जो लोग मनीष कश्यप को चाहने वाले हैं, वो सभी लोग मनीष कश्यप के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के इस डिसीजन के साथ खुश हैं। लेकिन कुछ वैसे लोग भी हैं इस समाज में जो चाहते हैं कि मनीष कश्यप हमेशा मुसीबत में फंसे रहे। मनीष कश्यप और उनके परिवार के मुखड़े पर ये लोग हंसी और खुशी नहीं देखना चाहते हैं। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर एक ऐसे लेटर की है, एक ऐसे पेटिशन, एक ऐसे एप्लीकेशन की है जिसमें मनीष कश्यप का प्रचार प्रसार रोकने के लिए, मनीष कश्यप को बर्बाद करने के लिए, मनीष कश्यप पर झूठा फर्जी मुकदमा दर्ज करने के लिए और मनीष कश्यप के हर कदम को रोकने के लिए ये लोग बेतिया के, पश्चिमी चंपारण बेतिया के जिलाधिकारी को CCA जो एक्ट है, यानी क्राइम कंट्रोल एक्ट 2024, उसके तहत ये लोग जिलाधिकारी को पेटिशन दिए, जिलाधिकारी को आवेदन दिए हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर CCA लगना चाहिए। यही तस्वीर है आपकी। यानी मनीष कश्यप पर अगर ये एक्ट लग जाता, ये अगर उनके ऊपर अगर अधिनियम में केस दर्ज हो जाता तो फिर ना वो तो चुनाव प्रचार कर पाते, उनको जिला बदर कर दिया जाता और एक सशर्त जो है वो उनके लोकल थाने में आकर के साप्ताहिक या फिर जो है वो 15 दिन पर या एक दिन तय होता उतने दिनों पर आ करके और हस्ताक्षर भी करना पड़ता। यानी जिले में भी वो नहीं रहते और वो बाहर भी नहीं जा सकते, देश भी नहीं छोड़ सकते हैं, यानी फरार भी नहीं हो सकते हैं। जिला बदर इसको कहा जाता है, दूसरी भाषा में कहे तो इसको तड़ीपार कहा जाता है। वो करने की साजिश थी और आप लोग जानते हैं कि जिला बदर या तड़ीपार जिसको कहा जाता है, वो अमित शाह के बारे में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी अक्सर कहते हैं कि वो तड़ीपार हुए थे। और किन लोगों ने तड़ीपार किया था, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही उनको भी तड़ीपार किया था। कहने का अर्थ यह है कि जब विपक्षी दलों की सरकार होती है या कोई विपक्षी व्यक्ति अगर सत्ता में बैठा हुआ होता है तो इन धाराओं का प्रयोग करके, कानून का मजाक बना करके, कानून की कमजोरियों का फायदा उठा करके और ये लोग कर देते हैं किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर केस। ये इसका जो है वो कम से कम इतिहास रहा है। फर्जी मुकदमों के कारण हर साल हजारों की संख्या में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। तो फर्जी मुकदमा धनाधन मनीष कश्यप पर करने की साजिश हो रही थी। आप लोगों के लिए एक सवाल है, अगर आप लोगों से मैं सवाल करूं कि 2024 चुनाव जो इतना महत्वपूर्ण चुनाव था, पीएम नरेंद्र मोदी के हैट्रिक बनाने के लिए जब 400 पार का नारा देकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उस दौरान राम मंदिर बनने के बाद का पहला चुनाव में सबसे पहला चुनावी आचार संहिता का केस किस पर दर्ज हुआ, तो उसका उत्तर होगा मनीष कश्यप पर। मनीष कश्यप पर वो केस दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, तो आनंद फानंद में सबसे पहले उन पर चुनावी आचार संहिता उल्लंघन के साथ साथ कई सारी धाराओं में केस दर्ज किया गया। अब CCA के तहत उनको जिला बदर करने की तैयारी थी। ये तो हो गई कानूनी मजबूरियां, बहुत सारे झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। ये बात अलग है कि बलात्कार का, हत्या का, हत्या प्रयास का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। वही सारे मुकदमे उन पर दर्ज हुए हैं जो क्रांतिकारियों या फिर जो है वो लड़ाकुओं या फिर जो है वो गोरों से लड़ने वालों के ऊपर दर्ज होते थे या जेपी सेनानियों पर भी दर्ज होते थे। मीसा पहले होता था, NSA अब है, उन पर NSA भी लगा हुआ था। तो ये हो गई मुकदमे की बात। अब जो लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप इससे घट जाएंगे, वो उत्तर सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये वही लोग हैं जो कहते थे कि मनीष कश्यप तो भाजपा ही है, मनीष कश्यप भाजपा का एजेंट है, तो क्या जरूरत है कि पत्रकारिता कर रहा है, सीधे जाके भाजपा ही ज्वाइन न कर लो। और जब वो भाजपा ज्वाइन कर लिए तो कह रहे हैं कि भाजपा क्यों ज्वाइन कर लिया। मतलब गजब का दोहरा चाल चरित्र मनीष कश्यप के विरोधियों का है। दूसरी चीज, मनीष कश्यप का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें मनीष कश्यप कह रहे हैं कि 5 साल ले हम गरीब के बेटा वानी, 5 साल ले कोनो पार्टी में ना सटम। एक तरफ ये वीडियो क्लिप और दूसरी तरफ वो वीडियो क्लिप जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मनोज तिवारी, संजय मयूख आदि नेताओं के द्वारा और जेपी नड्डा के द्वारा गमछा उड़ा करके जब उन्हें सदस्यता दिलाई जा रही है, तो इस स्थिति को भी लोग जो है वो दर्शा रहे हैं, इसको भी बता रहे हैं। यानी लोग साबित करना चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने जो कहा उससे वो पलट गए, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। जब वो बोल रहे थे ये बात, तो मैंने पूरे वीडियो को सुना था। वो वीडियो क्लिप जो है वो आधा काट करके फर्जी टाइप वीडियो क्लिप जो है वायरल किया जा रहा है। मनीष कश्यप ने कहा था कि अगर मैं चुनाव जीत गया निर्दलीय, तो 5 साल तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि चुनाव जीतने के पहले, चुनाव प्रचार के दौरान अगर ऑफर आएगा तो नहीं करूंगा, क्योंकि वो पहले से भी कहते, जब जेल से निकले याद करिएगा, उन्होंने कहा था कि जो भी पार्टी राष्ट्रवाद और सनातन की बात करेगी उसका हम हाथ थामेंगे, उसका झंडा थाम लेंगे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सनातन और राष्ट्रवाद की बात तेजस्वी यादव भी करते हैं,
बिहार के विकास की बात अगर तेजस्वी यादव भी गारंटी दे के हमको करे तो मैं उनको भी गले लगा लूंगा, जबकि ये वही तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने मुझे 55-56 डिग्री सेल्सियस के तापमान में जेल के सेल में बंद करवाया था, जिनके कारण मैं बंद हुआ था। ये बात मनीष कश्यप बोलते हैं। तो मनीष कश्यप ने कभी जो है वो झूठा वादा नहीं किया या झूठ बोलने का काम नहीं किया, वो जो बोले हैं वही कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर देश हित के लिए जरूरत पड़ी, सनातन हित के लिए जरूरत पड़ी, तो मैं किसी पार्टी का दामन थाम सकता हूं, और चुनाव अगर जीत गया निर्दलीय तो उसके बाद 5 साल तक किसी पार्टी को नहीं थामूंगा। फिर अगली बार पार्टी अगर टिकट देगी या सम्मान देगी या गरीबों मजदूरों की लड़ाई लड़ने में, बिहार के विकास में और राष्ट्र के विकास में, सनातन के विकास में अगर साथ देगी तो मैं थाम लूंगा। तो ये एक फर्जी क्लिप वायरल किया जा रहा है, फर्जी टाइप क्लिप वायरल किया जा रहा है, आधा काट छांट करके एडिट करके, इस बात से मुझे बड़ा दुख है। और सबसे बड़ी बात जो है वो मनीष कश्यप के ज्वाइन करने के पीछे है कि उनके मां का आदेश था। अब मां का आदेश कोई कैसे टाल सकता है? आप लोग जरा सोचिए, जो लोग कह रहे हैं कि मां का वो राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितने मतलब जड़बुद्धि लोग हैं, कितने बेवकूफ लोग हैं। मैं शुरू से अगर किसी एक चीज का सबसे बड़ा विरोधी रहा हूं तो वो रहा हूं ज्यादा बच्चा पैदा करने के। शुअर कुत्ते की तरह जो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनका मैं विरोधी रहा हूं। मुझे अभी 2 औलाद हैं, दोनों बेटी है, मेरी माँ का आदेश है कि मुझे एक और औलाद होना चाहिए, तो ये चाह करके भी मैं खुद का या अपनी पत्नी का नसबंदी नहीं करा पाता हूं। तो जब जिसका मैं कट्टर विरोधी था माँ के आदेश के कारण, जब मैं उसके सामने झुक जाता हूं, जिस दिन मेरी माँ कन्विंस हो जाएगी उसी दिन मैं नसबंदी कराऊंगा, जरूर नहीं पैदा करूंगा, लेकिन नसबंदी तभी कराऊंगा जब मेरी मम्मी का आदेश हो जाएगा, मेरी माता का आदेश हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति माँ के आदेश के सामने झुक जाता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मनीष कश्यप की वही माँ है जो कभी रो रही थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी और चारों तरफ घूम घूम करके न्याय की गुहार लगा रही थी, दर दर भटक रही थी, कोई न्याय देने को तैयार नहीं था। एक मनीष कश्यप के भाजपा ज्वाइन करने के बाद उनको विश्वास हो गया है कि अब मेरे बेटे पर कम से कम फर्जी मुकदमा तो नहीं होगा। अगर गलत कोई करता है तो मुकदमा होगा, गलत प्रधानमंत्री करेंगे तो उन पर भी मुकदमा होता है। इस देश में सिर्फ राष्ट्रपति, राज्यपाल और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज के ऊपर ही FIR नहीं होता है, अन्यथा मनीष कश्यप जैसे लोगों पर FIR हो सकता है। अगर आप नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, कुछ भी हैं, तो आप पर FIR हो सकता है, प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। तो लेकिन फर्जी मुकदमा कम से कम अब मनीष कश्यप के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वो अब पार्टी के प्रोटोकॉल, पार्टी के सुरक्षा कवच के बीच आ चुके हैं। तो ये माँ उसके लिए हंस रही थी, ये माँ इसके लिए भी हंस रही है कि उनके बेटा का बाल पक गया है। अच्छा, अब देखिए, मनीष कश्यप उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, मेरे बाल नहीं पके हुए हैं, एक आध इधर पक रहा है, 1 से 2। मनीष कश्यप के सारे बाल जानते हैं क्यों पक गए? ये भी जान लीजिए, बिहार के लिए उस व्यक्ति का बाल पक गया है। मैं जब भी मुझे मिले, जब भी मेरे ऑफिस में आए कानूनी सलाह लेने के लिए, या जब भी मैं कानूनी सलाह के लिए उनसे बात किया, मैं अक्सर कहता था कि हमेशा गर्म पानी मत पीजिए, कम से कम गर्मी के दिनों में गर्म पानी मत पीजिए, आप जो है थोड़ा बहुत जो है वो ग्लूकोज पीजिए, ठंडा पानी भी पी सकते हैं, आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। लेकिन मनीष कश्यप केवल उनकी आवाज़ और बिहार के दर्द को अपने गला को फाड़ फाड़ करके वो जोर से बिहार के दर्द को बयां कर सकें और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध गरज सकें, इसके कारण गले को सही रखने के लिए वो हमेशा थर्मस में गर्म पानी रखते हैं, गर्म पानी पीते हैं, सूप पीते हैं, चाहते तो कोल्ड ड्रिंक्स भी पी सकते थे, लेकिन ये सभी चीज़ों को वो पीते हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें कह दिया था कि गला अगर आपको सही रखना है तो आपको गर्म पानी पीना चाहिए और सूप पीना चाहिए। बस यही पीते पीते उनके बाल पक गए, और कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने सामने बूढ़े रूप में नहीं देखना चाहती। मतलब देहात में वो कहावत बा कि बच्चा तब तक ले बबुए कहा ले जब तक ले ओकर माई बाबू जिंदा रहेला लोग। कहने का मतलब ये है कि जब तक माता पिता जीवित है तब तक बबुआ कहना चाहते हैं, बबुआ के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे में जब वो बाल को ब्लैक करवा के, डाई करवा के जब पहुंचे तो उनकी माँ के खुशी का ठिकाना नहीं था। तो एकमात्र काम से, एक BJP ज्वाइनिंग करने से मनीष कश्यप की माँ खुश, उनका पूरा परिवार खुश, उनके सारे वादे को पूरे करने की अब गारंटी हो गई। अब वो सरकार में है, अब उन वादों को पूरा करेंगे। अब कम से कम किसी मदन हजरा को अगर बैंक कर्मी रुलाएंगे तो उस पैसे के अभाव में कोई मदन हजरा अब कम से कम अपना बेटा नहीं खोएगा, क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित नेता हैं। वो उस कारण जाएंगे और बैंक के मैनेजर से बात करके और न्याय दिला देंगे, तो गरीबों की लड़ाई लड़ने में उनको मजबूती मिलेगी, वादों को पूरा करने में उनको मजबूती मिलेगी, रोजगार देने में मजबूती मिलेगी, उन पर फर्जी मुकदमे नहीं होंगे और माँ भी अब खुश रहेगी। तो दुखी बस 2 से 3 लोग रहेंगे। एक वो लोग जो मनीष कश्यप को हमेशा दुखी देखना चाहते थे, जो कहते थे कि मनीष कश्यप तो भाजपा का एजेंट है, उसको भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए। जब मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन कर लिए तो वो लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप अब भाजपा ज्वाइन कर लिया, अब उसका राजनीतिक पतन हो गया। अब उन मूर्ख और जड़बुद्धियों को एक तस्वीरें मैं फिर से दिखाना चाहता हूं कि ये जो तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं कि मनीष कश्यप BJP के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, मनोज तिवारी जैसे बड़े नेताओं के साथ बैठे हुए हैं, ये
दिल्ली यानी राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली की तस्वीर है, जहां कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का कार्यक्रम हो रहा है और मनीष कश्यप बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के बगल में कुर्सी डटा करके बैठे हुए। फिर एक तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं जिसमें मनीष कश्यप न्यूज 18 में राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया के बराबर विपक्ष की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय चैनल पर खड़ा होकर के नवी फेल कर रहे हैं, और अब नवी फेल करने पर तेजस्वी यादव की औकात नहीं है कि उन पर मुकदमे दर्ज कर दें, क्योंकि तेजस्वी यादव पर अपने ही इतना मुकदमा है कि वो बचाव के मुद्रा में रहेंगे, अब मनीष कश्यप को नहीं सताया जाएगा। और मनीष कश्यप सरी के हर नेता जो भी गरीबों मजलूमों मजदूरों की बात को उठाना चाहता है, चाहे वो कोई भी बेटा, उसे भाजपा का नेता बनना चाहिए या वैसी किसी भी पार्टी का नेता बनना चाहिए जो कहती है कि इन आवाज को आप बेधड़क उठा सकते हैं और बेधड़क इस आवाज को आप ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार।